स्थल है जो कि इंदौर से है तो 16 किलोमीटर है तो अंदर आना पड़ेगा, इसके बाद में तो मतलब यहाँ पे तो हनुमान टेम्पल है तो आता है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है तो होने वाला हनुमान टेम्पल। हनुमान का बड़ा सा टेम्पल है और काफ़ी बड़ी मतलब इमारतें हैं, तो उसी का आज ब्लॉग होने वाला है। तो चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलो दिखाते हैं आगे। तो गाइस, ये इंडिया की सबसे बड़ी मूर्ति है और कम से कम ये है तो 66 फीट की है तो मूर्ति है और कहीं 28 है तो मतलब टन की है तो मूर्ति बनी है। इसका वजन मतलब माना जाए तो इसका वजन इतना है और इंडिया की अपने सबसे बड़ी मूर्ति है जो कि हनुमान टेम्पल है जो कि इंदौर से है तो 16 किलोमीटर है तो अंदर आना पड़ेगा, इसके बाद में तो मतलब यहाँ पे तो हनुमान टेम्पल है तो आता है। तो काफ़ी मस्त है और मैंने है तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी निकाला था तो वही है, तो मैंने सोचा कि चलो आपको बताया जाए। और इंदौर से है तो 16 किलोमीटर अंदर है तो काफ़ी मस्त है। और बाकी इधर है तो छोटा सा मतलब ग्राउंड भी है जो कि ये इधर है तो ग्राउंड है, पूरा ग्राउंड है अभी है तो इसमें नो एंट्री बता रहा, मतलब अंदर जाने के लिए या नहीं है। और बाकी आप देख ही सकते हो पूरा हनुमान टेम्पल ये, और ऊपर है हनुमान टेम्पल, बाकी मस्त तरीके से दिख रहा है, झंडा वंडा मस्त लहरा रहा है। तो गाइस, ये वाला है हनुमान टेम्पल, गोल्डन मूर्ति और काफ़ी मस्त मंदिर है। और इधर है पूरा मतलब ग्राउंड और इधर है हनुमान टेम्पल मंदिर, तो काफ़ी मज़ा आएगा ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बन रहे और अच्छे अच्छे सिनेमेटिक शॉट आपको तो देखने के लिए मिलेगी। तो चलो दिखाते हैं। शूज रखना पड़ेगा इधर क्या? ऐसा क्या गायब तो नहीं होंगे यहाँ से शूज? हाँ देखो भाई, इधर है तो शूज रखने के लिए तो यहाँ है। इधर रखना थोड़ा, चलो इधर रख दिए हैं। हाँ कोई चोरी करेगा ना तो अपन है तो इसमें से वीडियो में से है तो या कर देंगे, ठीक है। तो भाई साहब, ये है हनुमान टेम्पल, काफ़ी मस्त है। तो चलो अभी जा रहे हैं अंदर हनुमान टेम्पल से अंदर, और अंदर का व्यू दिखाएंगे आपको। तो फाइनली आ गए हनुमान टेम्पल मंदिर, सामने है हनुमान माता, हनुमान बजरंग बली का मंदिर है। तो भाई साहब चलो ऊपर जाके दिखाते हैं आपको। और ऊपर है इधर ये वाली सीढ़ी लगी है, यहाँ से तो घुसना पड़ेगा अपन को सीधा। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर हनुमान टेम्पल से और काफ़ी मस्त मज़ा आएगा। तो सामने सीढ़ी लगी है, इधर सीढ़ी से जा रहे हैं। और इधर देखो भाई, बहुत सारी पब्लिक है। और इधर है बजरंग बली हनुमान टेम्पल, और इधर हमारी गाड़ी पार्किंग कर दी हमने। और ये है बजरंगबली जो कि गोल्डन कलर का है, काफ़ी मस्त है। और ऊपर पब्लिक भी बहुत सारी है अभी फिलहाल। अभी ये तो आ गए हैं इधर और आपको दिखाते हैं कितना बड़ा सीन है। देख रहे इधर हांडा कितना बड़ा भाई, बड़ा बहुत बड़ा है। तो ये है और मूर्ति देखोगे तो मूर्ति और भी काफी मस्त बड़ी है, बहुत बड़ी मूर्ति भाई। और पूरा गोल्डन कलर बना है, मतलब पूरा गोल्डन से बना हुआ है। और इधर दिखाते हैं आपको यहाँ से, जो कि इधर की रेलिंग है ना, रेलिंग भी गोल्डन से बनी है। और ऊपर है तो मस्त झंडा वंडा लहरा रहा है बजरंगबली का, और ऊपर है मूर्ति, काफ़ी मस्त मूर्ति है।
और पब्लिक बहुत ज़्यादा है इधर, अभी पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है। तो चलो आपको दिखाते हैं, इधर पूरा लिखा हुआ है श्री राम, जय श्री राम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी मस्त लिखा हुआ है। उधर की साइड से आया तो जाने नहीं दे रहे उधर, बाकी इधर है बजरंगबली का मंदिर, गोल्डन मंदिर, गोल्डन मूर्ति। चलो अभी जा रहे हैं नीचे, और नीचे से देखते हैं नीचे से क्या सीन है, और नीचे से और भी काफ़ी मस्त लगेगा। बाकी इधर है ये निकलने का एरिया यहाँ से, और ये सीढ़ी है चढ़ने के लिए, यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए। हाँ, और ये है तो पूरा लाल गेट जैसे लग रहा है, पूरा मतलब पिंक कलर में है, तो मतलब मस्त बनाया है और काफ़ी मस्त है। ये देखो ये है एंट्री गेट इसमें ऊपर चढ़ने के लिए, तो यहाँ से तो ऊपर चढ़ते हैं, और ऊपर काफ़ी मस्त पूरा पिंक कलर में है तो बनाया है और काफ़ी मस्त है। जो कि ये मूर्ति है बनी है पूरी है तो मतलब 66 फीट है तो उसकी ऊंचाई है, और कहीं 28 है तो मतलब टन का बता रहे हैं। तो मैंने भी है तो मतलब किसी से पूछ के है तो मैं बता रहा हूँ आपको, क्या है कि मेरे को भी इतना है तो मालूम नहीं है इसके बारे में। तो मैं है तो फर्स्ट बार है तो मतलब यहाँ पे आया था हनुमान टेम्पल, तो इसकी हिस्ट्री है तो यही थी। मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे है तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड किया जाए। तो आई होप कि आपको यह ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट ब्लॉग में, जब लगता था, बाय बाय एंड लव यू, बाय।